नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज टीवी। नित्या न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुरानी रंजिश के चलते हमलावरों ने शहजाद खान को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, दतिया शहर में वार्ड क्रमांक 7 में रहने वाले शहजाद खान नामक एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर जानलेवा हमला करते हुए पुरानी रंजिश के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान हमलावरों ने अधेड़ के पैरों में मारी गोली। मौके से हमलावर हुए फरार। कोतवाली पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कोतवाली टीआई रविंद्र शर्मा ने जांच पड़ताल कर घायल शहजाद खान को जिला चिकित्सालय भेजा एवं 307 का मामला पंजीकृत कर हमलावरों की तलाश की जा रही है। आज अधेड़ शहजाद खान की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस मामले को लेकर दतिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य से पत्रकारों ने जब चर्चा की तो बताया कि पुरानी रंजिश के चलते हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया है एवं शहजाद खान की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पीएम होने के बाद धाराएं बढ़ाई जाएंगी और क्या कुछ का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने देखिए दतिया से रजनी लेटोरिया की खास खबर। कल कोतवाली थाना क्षेत्र में शाम के समय शहजाद खान उम्र 55 वर्ष निवासी पंकज सप्लाई गली के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी थी और गोली उसको लगी थी। सूचना मिलते पे ही तत्काल वहाँ पुलिस पहुँची और उसको हॉस्पिटलाइज कराया था। उसकी रिपोर्ट पर धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। हर्ष यादव, रविंद्र खटीक और अनिल गुमनानी, अतुल एवं डोडो मुसलमान के विरुद्ध व दो अन्य व्यक्ति थे। और रात्रि में इलाज के दौरान शहजाद की मृत्यु हो गई है और अभी लगातार पुलिस के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु अभी सभी आरोपी घरों से फरार हैं और अभी मृत्यु के पश्चात उसके पीएम रिपोर्ट के बाद इसमें धारा 302 का इजाफा हो जाएगा और लगातार अभी आरोपियों की गिरफ्तारी के पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।